सो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जामदानी साड़ी हॉल पार्ट टू। जामदानी साड़ी हॉल पार्ट वन मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर करी है। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो जरूर से लेना, क्योंकि वहां पे भी मैंने अमेजिंग सा कलेक्शन मैंने शेयर करी है। और आज तो मैं आपके साथ और भी धमाकेदार कलेक्शन में लेके आई हूँ जामदानी साड़ी का। सो आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आने वाला है। यू नो, बहुत ही अमेजिंग सा कलर वैरायटी मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूंगी। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही बेल आइकन पर जरूर से हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये रहा कुछ साड़ी जो मैंने मीशो से बाय किए हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। सो इसका क्वालिटी कैसा है वो तो मैं आगे शेयर करूंगी वीडियो में। अगर आपको नहीं पता कि जामदानी साड़ी क्या है, तो जामदानी साड़ी को ढकाई जामदानी भी कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में एक जगह होती है ढकाई, उसमें ये जो साड़ी है बहुत ही फेमस है। और बंगाल में भी ये साड़ी बहुत ही ट्रेडिशनल एंड फेमस साड़ी है। जामदानी मीन्स जाम मीन्स फ्लावर एंड दानी मीन्स वास। सो जामदानी साड़ी में आपको फ्लोरल प्रिंट पैटर्न में या फिर डिजाइन, अलग अलग डिजाइन में मिल जाएंगे कलर वैरायटी में, तो बस यही है। और ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता है, और ये हमेशा से ही ट्रेंडिंग में रहता है। और ये साड़ी को पहनने के लिए स्पेसिफिक कोई ओकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही रिच लुक देता है एंड बहुत ही एलिगेंट सा लुक आता है इसको पहनने के बाद। सो जल्दी से इन साड़ी को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन है ये कलर में, पैरट ग्रीन एंड ये पिंक कलर का कॉम्बिनेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। तो इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मैंने इसको देखते ही ऑर्डर कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कलर, क्योंकि बहुत ही प्रिटी सा कलर है और इसका जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आया है। सो लेट मी ओपन दिस। सो शुरू करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। और हाँ, जामदानी साड़ी में मोस्टली कोई ब्लाउज पीस नहीं रहता है, तो आपको अलग से ब्लाउज लेना पड़ेगा, स्टिच करवा सकते हैं अलग से, या फिर रेडीमेड ब्लाउज भी ले सकते हैं इसके साथ। तो ये स्टार्टिंग के वन राउंड आपको इस तरह के प्लेन मिलेगा, ग्रीन कलर में पूरा प्लेन है। इसके बाद आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे पिंक कलर का, ये आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेंगे, ये देखिए सेम बॉर्डर। तो और बीच में आपको छोटा छोटा सा डिजाइन देखने को मिल जाएंगे, जो कि ओवन का वर्क किया हुआ है, जो इसका डिजाइन है ओवन का वर्क है इस बीच बीच में ग्रीन कलर में। सो बहुत ही प्यारा सा कलर है। और ये जो मटेरियल है साड़ी का, वो है कॉटन सिल्क मटेरियल, सो सॉफ्ट सिल्क मटेरियल। जामदानी में दो तरह के होते हैं, एक कॉटन मतलब सॉफ्ट सा सॉफ्ट होता है, एक हार्ड जामदानी होता है। सॉफ्ट जो जामदानी होता है, इसमें आपको कॉटन सिल्क मटेरियल में होता है, कॉटन ब्लैंड या कॉटन सिल्क में। और हार्ड जामदानी होता है जो प्योर कॉटन, वो खसखस वाला होता है ना, वो भी बहुत ही सुंदर होता है दिखने में, लेकिन वो वाला थोड़ा सा खसखस है, फूले फूले सा। तो ये कॉटन सिल्क है, सो बहुत ही सॉफ्ट है, कंफर्टेबल सा साड़ी है, आप इजीली इसको ड्रैप कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है एंड इजी टू हैंडल एंड बहुत ही मैनेजेबल सा साड़ी है। सो इस तरह का आपको पूरे बॉडी में इस तरह का छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का ओवन का वर्क का मिलेगा, और ऊपर नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे। बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा है, आप देख सकते हैं। सो ये रहा इसका जो पल्लू, इसका पल्लू है पिंक कलर में, ये आप देखिए पिंक कलर में, बीच बीच में आपको ग्रीन कलर का ओवन का वर्क क्या दिया, ये पूरा ही पल्लू आपको ओवन वर्क मिलेगा इस पल्लू में पूरा, जो कि बहुत ही प्रिटी है। तो इस साड़ी में ये पिंक कलर बहुत ही एनहेंस कर रहा है इस पूरे साड़ी को, और बहुत ही प्रिटी सा लुक प्रोवाइड करता है। इसका जो प्राइस है 649 रुपीज, सो बहुत ही अच्छा सा प्राइस है, उस प्राइस में मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला मटेरियल होगा, वैसा भी नहीं कि एकदम गंदा वाला बेकार वाला मटेरियल है, नो मतलब हल्का फुल्का जो साड़ी होता है ना, वैसा ही टाइप का ये मटेरियल है। बहुत ही मतलब प्यारा सा फैब्रिक है इसका, मतलब समर के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, इसको आप कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, आप ये इसको फेस्टिव में भी वेयर कर सकते हैं, एज वेल आप कहीं पे भी घर में छोटे मोटे फंक्शन हो, बाहर जाना है, तो इसको आप कैरी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, सिंपल सा है, सोबर लुक देता है। अगर आप ये साड़ी को पहनते हैं उसके साथ ज्वेलरी कैरी करते हैं हैवी सा, सो उससे ही बहुत ही प्रिटी लुक प्रोवाइड करता है। सो मैं तो आपको ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, अगर आपको ये साड़ी पसंद आते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। इन सभी साड़ी का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जिनको साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता, बिगिनर है, तो ये साड़ी को आप
आसानी से कैरी भी कर सकते हैं और आसानी से ट्रैप भी कर सकते हैं, सो कि बहुत ही अच्छा है। तो मैं स्पेशली प्रिफर करती हूँ जामदानी साड़ी पहनना, क्योंकि मुझे इतना साड़ी का मतलब इतना अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता है, मतलब मेरे पास जामदानी साड़ी का कलेक्शन ज्यादा है कंपेयर टू अदर साड़ी। और साड़ी का जो लेंथ है 5.5 मीटर एंड इसका हाइट भी अच्छा खासा है। मैंने इसके साथ हील पेयर किया था तो उससे भी मेरा साड़ी का हाइट ठीक ठाक था मतलब। और ये जो साड़ी है इसमें और भी कलर्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ही वर्थ इट वाला है। जो एक्चुअल जामदानी होता है उसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली होता है, सो इस प्राइस में आपको इस प्रिटी सा साड़ी मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द सेकेंड वन है ये ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा साड़ी है। ये ऑरेंज कलर मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली ये साड़ी मैंने अपने मम्मी के लिए बाय किया है, उनको बहुत ही पसंद आया ये साड़ी और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने दूसरा कलर ऑर्डर किया है ये साड़ी में। तो शुरू करते हैं इसके पल्लू से। सो पल्लू है कुछ इस तरह का, व्हाइट कलर का वर्क किया हुआ है और इसमें आपको बीच बीच पे ब्लू कलर का डिजाइन भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो मटेरियल है गाइस कॉटन सिल्क मटेरियल है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू ड्रैप, इजी टू हैंडल। तो इसको पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है, आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। आई रियली लव इट सो मच। और आपको पूरे साड़ी में इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे, पूरे साड़ी में इस तरह का वर्क कर रखा है, ऊपर इस तरह का आपको बॉर्डर मिल जाएंगे व्हाइट में, चौड़ा सा बॉर्डर है और नीचे भी आपको सेम बॉर्डर मिल जाएंगे जैसे टॉप में है वैसा ही बॉटम में आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे इस तरह का डिजाइन में। सो पूरे साड़ी इस तरह का वर्क है और सामने आपको वन राउंड आपको प्लेन मिल जाएंगे जो कि इस तरह का है, प्लेन आपको ऑरेंज कलर में वन राउंड प्लेन मिलेगा और बाकी का पूरे साड़ी में वर्क रखा है जो कि बहुत ही प्रिटी लगता है। और आपको ये इस डिजाइन में और भी कलर अवेलेबल हो जाएंगे, शायद 6 और 7 कलर आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको ये कलर नहीं लेना है इस डिजाइन में तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 692 रुपीज, तो 650 में आपको मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। और प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही सुंदर सा साड़ी है। अगर मैं इसका रेटिंग की बात करूँ तो 20 out of 10 में दूंगी, 10 में तो ये साड़ी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये साड़ी रेटिंग 10 से भी ऊपर का साड़ी है क्योंकि प्राइस वाइज टू गुड। इतने कम प्राइस में इतना सुंदर सा जामदानी मिल रहा है कि मैं तो खुश हो गई ये साड़ी को देख के। इस बार मैंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन पिक किया है मीशो से। जब मैंने इस साड़ी इन सभी साड़ी को ऑर्डर किया तो मुझे थोड़ा सा डर था कि कैसा आएगा, क्वालिटी में कैसा होगा, दिखने में कैसा आएगा, तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इन सभी साड़ी को लेकर। सो आपको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप ये साड़ी को ले सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं, और ये साड़ी को आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, वैसा वाला साड़ी है, बहुत ही सुंदर सा साड़ी है। और इसका जो भी प्राइस है आपको इमेज के साथ स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, और प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभार डिस्काउंट दे देते हैं और प्राइस में डिफर होता है, तो आप चेक कर लेना। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था और उसके बाद जब मैंने फिर से इसको चेक किया तो ये साड़ी आउट ऑफ स्टॉक था, तो आप देख लेना कि अभी रिस्टॉक में आया कि नहीं। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा साड़ी है और इसका लेंथ है 5.5 मीटर, हाइट भी अच्छा खासा है, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। और आप ये साड़ी को एनी फेस्टिवल, छोटे मोटे ओकेशन, घर पे भी इसको वेयर कर सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सा साड़ी है और सारा दिन इसको वेयर कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी लुक वाइज इज टू गुड। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपको पसंद आते हो तो ले लेना, क्योंकि डेफिनेटली आपको ये पहनने के बाद और भी जामदानी साड़ी बाय करने वाला है आई एम फॉर श्योर। और मुझे पर्सनली ये साड़ी जामदानी साड़ी बहुत ही पसंद होते हैं क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, सिर्फ पैटर्न में कलर में डिफरेंट होता है, वैसे यही है। सो आप इसको 10 साल 20 साल बाद भी यही साड़ी आप पहन सकते हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये मतलब होता है ना पुराना हो गया, बेकार सा हो गया, ये ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा, ऐसा कोई नहीं कहने वाला है। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट साड़ी। सो द नेक्स्ट साड़ी है ये ब्लू कलर का साड़ी। ये रहा ब्लू कलर का साड़ी जो आपको स्टार्टिंग वन राउंड में प्लेन मिलेगा और नेक्स्ट है ये इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे पूरे बाकी साड़ी में इस तरह का ओवन वर्क मिलेगा। और इसका जो मटेरियल है सिल्क ब्लेंड मटेरियल है गाइस, सो ये भी सॉफ्ट है, लाइट वेट है, ये जो मैंने फर्स्ट साड़ी दिखाया था मटेरियल ठीक वैसा ही है। सो ये रहा और इसका जो प्राइस है 432 के अराउंड, जो भी इसका प्राइस है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो इसका प्राइस के हिसाब से ठीक है, 400 इसका प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से ये साड़ी वर्थ इट है। सो इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाएंगे, ओवन का वर्क किया हुआ है, तो हाफ ऑफ दिस साड़ी इस तरह का मिलेंगे और हाफ नहीं पल्लू के साथ आप नियर में आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे, ये देखिए
इस तरह का बॉर्डर है, सेम बॉर्डर आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे। ये देखिए ऊपर नीचे इस तरह का बॉर्डर है और पल्लू के साथ आपको इस तरह का ऊपर नीचे बॉर्डर मिल जाएगा। मतलब पल्लू ये है, व्हाइट कलर में वर्क, ओवन वर्क किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये साड़ी है ब्लू कलर में। और इस तरह का आपको इसके साथ इतना तक आपको बॉर्डर मिल जाएंगे ऊपर नीचे, इस तरह का डिजाइन किया हुआ है। आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं, अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है ये, मतलब ब्लू कलर में और व्हाइट कलर का जो वर्क कर रखा है इससे इसका लुक और भी एनहेंस करता है। सो इसका जो लेंथ है साड़ी का 5.4 मीटर है, थोड़ा सा कंपेयर टू अदर साड़ी उसका लेंथ थोड़ा सा कम है, ज्यादा फर्क नहीं है। अदरवाइज ये साड़ी बहुत ही अच्छा है और हाइट में भी अच्छा खासा है, सम से इसको ड्रैप कर सकते हैं। इसके साथ आप नॉर्मली जो भी व्हाइट कलर का ब्लाउज है इसके साथ मिसमैच कर सकते हैं। सो बहुत ही प्रिटी सा साड़ी, इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप कोई भी कलर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सो प्राइस के हिसाब से टोटली वर्थिंग। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आई गिव दिस साड़ी 9 out of 10। मतलब इसका कपड़ा थोड़ा सा हल्का है, जो मैंने अभी जो ऑरेंज कलर दिखा था उसका कपड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। सो प्राइस थोड़ा सा मैटर करता है आई थिंक। सो प्राइस के हिसाब से ये साड़ी सही है और उसके प्राइस के हिसाब से वो साड़ी बेस्ट है। सो इतना ही डिफरेंट है इसका। सो अदरवाइज ओवरऑल साड़ी इट्स गुड। सो आप ले सकते हैं इसको, आप कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, पूजा वगैरह में वेयर कर सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट साड़ी में। तो नेक्स्ट है ये साड़ी, लोगों को ब्लैक कलर फेवरेट है उन लोगों को ये साड़ी बहुत ही पसंद आने वाला है। एज वेल जो साड़ी लवर होते हैं उन लोगों को भी ये साड़ी बहुत ही पसंद आने वाला है। ये ब्लैक कलर का साड़ी में इस तरह का ऑरेंज कलर का डिजाइन है जो इस साड़ी को बहुत ही एनहेंस कर रहा है। इसका आई थिंक ये दूसरा कलर में अगर होता तो उतना कलर निखर के नहीं आता जितना ये साड़ी में आया है ऑरेंज कलर के शेड में, मतलब ऑरेंज कलर के ये डिजाइन है। सो पल्लू की बात करते तो पल्लू है कुछ इस तरह का डिजाइन में, कुछ इस तरह का ऊपर नीचे आपको यही बॉर्डर तो नहीं कर सकते, इस तरह का डिजाइन है ऊपर नीचे आपको इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे। और पल्लू है कुछ इस तरह का डिजाइन में, जो कि बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है। आई जस्ट लव इट। मैं सभी साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया है, मतलब टक्कर देने वाली एक से बढ़कर ये साड़ी है। सो ये रहा साड़ी, ये पूरे साड़ी पे इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, बूटी बूटी ओवन में वर्क किया हुआ है। और इसका जो मटेरियल है कॉटन सिल्क मटेरियल है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, इजी टू हैंडल, इजी टू ड्रैप, आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों को साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिगिनर्स है, तो ये साड़ी आप ड्रैप कर सकते हैं। सो ये साड़ी को आप कहीं पे भी इसको वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही रिच लुक प्रोवाइड करता है इसको इस साड़ी को पहनने के बाद। सो पूरे बॉडी में इस तरह का वर्क किया हुआ है, बहुत ही गॉर्जियस साड़ी है। सो आपको यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में 1 round प्लेन मिलेगा ब्लैक कलर में कुछ इस तरह का, और बाकी पूरे साड़ी में आपको इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे जो ऊपर नीचे आपको सेम डिजाइन दिखने को मिलेगा। सो आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है। अगर आप इसको पहनते हैं तो माइंड ब्लोइंग लगने वाले है, एंड आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो साड़ी का लेंथ है 5.5 मीटर है, जो अच्छा खासा लेंथ है, एंड इसका हाइट भी अच्छा खासा है। तो ये साड़ी बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है, तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये साड़ी को ले लेना। अगर मैं इसका रेटिंग की बात करूं तो 10 on 10 साड़ी है, एंड बहुत ही सुंदर सा साड़ी है। आपको और भी कलर वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें जो ब्लैक कलर में ये ऑरेंज कलर निखर के आ रहा है शायद उतना नहीं आए दूसरे कलर में। सो आप दूसरे कलर भी ले सकते हैं। सो प्राइस के हिसाब से टोटली वर्थ इट वाला है। अगर आप इसको लेते हैं आप खुद ही खुद को कंप्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसी साड़ी है, सभी साड़ी इसी तरह के है। सो लेट्स मूव इन द लास्ट वन बट द नॉट द लीस्ट। सो लास्ट है ये येलो कलर साड़ी, और येलो इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर। ब्लैक एंड येलो साड़ी देखते ही पसंद आ जाता है मुझे, तो येलो कलर मैंने ये जामदानी साड़ी बाय किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। और इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। साड़ी के फर्स्ट राउंड आपको इस तरह का प्लेन येलो में मिलेगा, जो आप पहले टकिंग करते हैं साड़ी के, तो आपको प्लेन येलो में मिलेगा। और इसका जो मटेरियल है कॉटन सिल्क मटेरियल है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, कंफर्टेबल होने वाला है, आप सारा दिन भी इसको वेयर कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज टू गुड गाइस। सो यहाँ से इसका जो वर्क शुरू होता है, ऊपर आपको इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे जो कि ओवन का वर्क किया हुआ है, और पूरे बॉडी में आपको इस तरह का
फ्लावर ओवन का वर्क मिल जाएगा। ऊपर नीचे बॉर्डर इसी तरह का बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है। जिन लोगों को येलो कलर पसंद है डेफिनेटली ये साड़ी तो पसंद आने ही वाला है। इसके साथ अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगेंगे, बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं। सो बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है, कुछ इस तरह का डिजाइन में ऊपर नीचे इस तरह का सेम बॉर्डर, पूरे साड़ी इस तरह का हैवी सा वर्क किया हुआ है पूरे साड़ी में, जो दिखने में बहुत ही एलिगेंट सा लुक देता है पहनने के बाद। और ये रहा इसका पल्लू, जो कि इस तरह का पल्लू है, शायद कैमरे में उतना नहीं आए इसका जो डिजाइन, सो आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं। बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है, मेरे हर कलेक्शन में येलो एंड ब्लैक का जो कलर शेड है वो रहेगा ही रहेगा। तो ये येलो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा आया है और इसका जो प्राइस है 759 रुपीज, सो बिल्कुल वर्थ इट है। और ये साड़ी भी अगर रेटिंग की बात करूँ तो 10/10 साड़ी है, मतलब क्वालिटी वाइज सुपर्ब है। जैसे मैंने ऑरेंज कलर का दिखाया था ठीक वैसा ही मटेरियल का है और प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा आया है। इतने कम प्राइस में आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलने वाली है और इस तरह का जामदानी साड़ी इतना सुंदर सा और क्वालिटी वाइज लुक वाइज टू गुड। सो प्राइस वाइज तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ मैं। सो मैं तो डेफिनेटली इसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर करने वाली हूँ अपकमिंग जो भी पूजा वगैरह है उसके साथ। आप ब्लैक कलर का सिंपल जैसे मैंने अभी पहना है वैसे इसके उसके साथ भी ये मिसमैच कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और अगर आप इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो क्या ही कहना है, तो इसमें भी आपको और भी कलर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और इसका और इस साड़ी का जो लेंथ है 5.5 मीटर, जो कि अच्छा खासा लेंथ है और हाइट में भी अच्छा खासा है, तो आप ले सकते हैं ना। अगर आप वो पसंद आते हैं तो आंख मूंद करके ये ले लेना कि सभी सारी क्वालिटी वाइज लुक वाइज सभी सारी एक से बढ़कर एक है, तो आप ले सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा साड़ी पसंद आया नहीं आया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज की वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।